नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमाम संत यहां पहुंच गए हैं। संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत सुरेश भैया जोशी भी कल रात तक पहुंच जाएंगे। 108 दिन से स्थान देव की पूजा की जा रही है। आज वहां गणपत जी की पूजा शुरू की गई है। कल हम हनुमानगढ़ी की पूजा करेंगे। 5 अगस्त गर्भगृह में पूजा की जाएगी। एक शिलापट्ट का अनावरण भी होगा। यूपी सरकार ने मंदिर मॉडल का एक डाक टिकट जारी किया है, उसका भी अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। समारोह में मंच पर संत नृत्य गोपाल दास, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। यही 5 लोग मंच पर रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 की टीम ने भी अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के बारे में जायजा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह तोमर, आज हम प्राइम न्यूज़ 24 की टीम के साथ में अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं। श्री राम की पावन भूमि पर हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको कई पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भारत सरकार के अथक प्रयासों से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज हम अपनी पूरी टीम के साथ हैं। हमारे साथ हैं हरदीप बसिन जी, शिव कुमार सिंह तोमर जी, अमरेश प्रजापति जी और साथ ही संतोष कुमार जी जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम अपनी टीम के साथ अयोध्या को घूमेंगे। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है अयोध्या की। हम अयोध्या की गलियों में प्रवेश कर चुके हैं। पंडित विकास पांडे जी जो हमको गाइड कर रहे हैं और ये हमको बताएंगे अयोध्या की स्थिति के बारे में कि कोविड-19 से पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। पहले सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यात्री आना कम हो चुके हैं। पहले जैसे कोरोना वायरस से पहले था तो यहाँ यात्री प्रतिदिन यहाँ पे 10,000 की संख्या में आती थी। दिल्ली, इंदौर से, मध्य प्रदेश से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, गुजरात से, एमपी से, हर जगह के लोग आते थे। मगर जब से कोरोना वायरस हुआ यहाँ यात्री आना बंद हो गए हैं। थोड़े बहुत यात्री आते हैं, लोकल ज़्यादा आ रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे विशाल का है, सरयू नदी बह रही है। दोस्तों, श्री राम भगवान के समय में जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था सरयू नदी में, तो इस सरयू नदी ने विशाल का रूप धारण कर लिया था और उस समय पूरा अयोध्या इसकी गुफ्तगू में समा गया था। दोस्तों, उसके बाद उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने इसको दोबारा से अयोध्या को बसाया और जब से ये अयोध्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक नया रूप धारण करती जा रही है। आज मैंने पूरी अयोध्या को कवर किया है और हमारे प्राइम न्यूज़ 24 की टीम पूरी यहाँ आई हुई है। आइए उन लोगों से पूछते हैं कि अयोध्या के बारे में उन लोगों को घूमकर कैसा लगा। बताइए सर कि आपको अयोध्या में कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी और कहाँ कहाँ आपने घूमा अभी तक? अयोध्या मेरा पहली बार आना हुआ है। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अयोध्या आऊँ, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको भी देखूँ, क्योंकि जब से स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से आने की एक विशेष इच्छा थी कि यहाँ पर आऊँ जरूर। तो इस बार मेरा यहाँ पर आना हुआ और हम सरयू घाट पर गए। सरयू नदी को हमने वहाँ पर जा कर के घूमा, जो नया घाट बनाया जहाँ दीपोत्सव किया था इस बार योगी जी ने। इसके बाद हम हनुमानगढ़ी गए और उसके बाद अभी हमने रामलला जी के दर्शन किए, तो बहुत ही सुखद अनुभूति हुई हमें यहाँ पर आकर के और बहुत ही अच्छा लगा। क्या सर फिर आप आना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आना चाहेंगे और ईश्वर की कामना करते हैं, ईश्वर से कि हम मांगते हैं कि फिर हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम दोबारा यहाँ पर आएँ। जी जी बिल्कुल, आशीर्वाद मिलेगा आपको। और जो भव्य निर्माण हो रहा है यहाँ पर उसको हम दोबारा से देखता हूँ, सपरिवार आने की प्रयास रहेगा कि सभी लोग। थैंक यू सर। आइए और भी हमारी टीम की तरफ से हैं जी, बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, श्री राम जन्मभूमि का भी दर्शन किया है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आने का, सौभाग्य मिला है, धन्य हुआ मेरा जीवन। ओके, थैंक यू। आइए हम एक श्रद्धालु से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। जी, सिद्धार्थ नगर के बता रहे हैं जी। बताइए आप कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? जी, हम यहाँ से बहुत दिनों से आप
जा रहे हैं जी जी। लेकिन ये हमारा जो है आने का जो मकसद था, ये राम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ है जी जी। इसको हम देखने के लिए लालायित थे। अच्छा जी। इसमें अपना भी श्रमदान कुछ करना चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और भी हमारी टेक्निकल टीम है जिनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगी। जी आप बताइए कुछ। सर, मैं यहाँ अयोध्या में आया हूँ और शरीर माता की स्नान किया और हनुमान गढ़ी प्रसाद चढ़ा, जिसको हमको बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज हम दर्शन भी किए भगवान राम जन्मभूमि की, जिसके कारण हमको बहुत आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जितने भी हमारी प्राइम न्यूज़ 24 की टेक्निकल टीम है, उन्होंने अपना अपना ओवरव्यू दिया। तो अयोध्या बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। अब राम जन्मभूमि जैसे ही बन जाती है और हमारी प्राइम न्यूज़ 24 की जितनी भी टेक्निकल टीम है वो यहाँ एक बार ज़रूर आएगी दर्शन करने इसके। थैंक यू सर।